महिलाओं में सेक्स की इच्छा कम होना, कारण और उपचार, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि महिलाओं में सेक्स की इच्छा कम है तो उसके लिए क्या करें। एक तो पुरुष आते हैं हमारे तरफ, बोलते कि भाई पत्नी में, स्त्री में, एक तो हमारे तरफ पुरुष आते हैं बोलते कि अपने हमारे पत्नी में भाई सेक्स की इच्छा कम है या गर्लफ्रेंड में सेक्स की इच्छा कम है उसके लिए क्या करें, या महिलाएं भी आती है कि भाई उनको सेक्स की इच्छा कम है उसके लिए क्या करें। अब हम बात करेंगे कि भाई एक तो नेचुरली उनकी सेक्स की इच्छा कैसे बढ़ाए, नंबर एक, और दूसरा है दवाई कौन सी है। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरली सेक्स की इच्छा कैसे बढ़ाए। तो इसमें देखना पड़ेगा कि सेक्स की इच्छा कम क्यों है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, घर का टेंशन है, ज्वाइंट फैमिली है, फिर फटीग होता है, दिन भर काम करती रहती है तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, घर में बहुत काम है उसके लिए फिर शाम को थक जाते हैं। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है तो घर में अनबन हो रही है, सास बहू की पट नहीं रही है, ये भी कारण हो सकता है। बच्चे छोटे हैं तो नींद नहीं होती रात में बराबर, तो वो भी कारण होता है। कभी कभी हस्बैंड बहुत लेट आते हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनका खाना पीना करना और बाद में बेड पर जाना तो बहुत लेट हो जाता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दिन में सोने को टाइम मिलता नहीं है। तो ये सब बातें जब आप ध्यान रखते हैं कि अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद आप लेते हैं, टेंशन स्ट्रेस जो है उसकी लेवल कम करने के लिए जो भी करना है उसके लिए काउंसलिंग करना है, किसी की मदद लेना है, साइकोथेरेपी करना है तो वो कर सकते हैं, मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिटेशन आप यदि करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं तो उससे स्ट्रेस लेवल, प्रेशर लेवल, टेंशन लेवल कम हो जाएंगी। रेगुलर एक्सरसाइज जिससे फिटनेस आएगा, वजन कम, ओबेसिटी कम करना है, मोटापा कम करना है और तंदुरुस्त रहना है, फिटनेस, तो वो भी आप कम कर सकते हैं और उससे तंदुरुस्त हो जाएंगे और सेक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ये सब बातें हो गई बिना दवाई के। इसके साथ साथ अभी कुछ हमको ऐसे इंस्टेंसेस मिल रहे हैं कि महिलाओं को भी सिगरेट का व्यसन है, शराब का व्यसन है, तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा सिगरेट और शराब का व्यसन, या कोई गोलियाँ दवाइयाँ खाती है तो वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। तो ये हो गया नेचुरल। अभी हम बात करेंगे दूसरे टाइप के ट्रीटमेंट की। एक है MC बंद होने के पहले का कार्यकाल और एक है MC बंद होने के बाद का कार्यकाल। तो MC बंद होने के, महामारी बंद होने का पहले का कार्यकाल है जिसमें इच्छा कम हो रही है, और एक है MC बंद होने के बाद का कार्यकाल जिसमें इच्छा कम हो रही है। और MC बंद कब होती है? अप्रॉक्सीमेटली 40-45 की उम्र में MC बंद हो जाती है। तो उसके पहले यदि लो है सेक्स ड्राइव तो क्या करें बिना दवाई का, वो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे दवाई कौन सी लेना है MC के बंद होने के पहले में। तो एक है फिबेंसरीन टैबलेट। तो फिबेंसरीन टैबलेट जो है ये आपको लेनी है, जो सेरोटोनिन डोपामिन की लेवल्स ब्रेन में बढ़ाती है, जिससे बहुत वेलबींग का एक फीलिंग आता है। और ये 2 से 4 हफ्ते यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली फीमेल्स में सेक्स ड्राइव बढ़ती है। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि 55% महिलाओं में ये बताया गया है कि उनकी सेक्स ड्राइव बढ़ गई है। मगर इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे चक्कर आना, जी मचलाना, नींद कम आना। तो फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स के जरिए अप्रॉक्सीमेटली 30% महिलाएँ दवाई बंद ही कर देती है। तो ये दवाई बंद नहीं करना चाहिए, थोड़े साइड इफ़ेक्ट है तो आप दवाई का डोज कम कर सकते हैं। फिर दूसरी दवाई जो है, जो प्री मेनोपॉजल में काम में आती है, वो है इंजेक्शन ब्रेमेलोनोटाइड। ब्रेमेलोनोटाइड जो है इंजेक्शन, वो इंजेक्शन आप स्टमक में सबक्यूटेनियसली लेते हैं या थाइज में लेते हैं, उसका असर 45 मिनट 1 घंटे में आ जाता है। और ये 55% महिलाओं ने बताया कि उनको उसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो इंजेक्शन से बहुत फ़ायदा होता है, और ये भी इंजेक्शन लेते हैं तो सेक्स ड्राइव बढ़ने के लिए उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। फिर आता है पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब महावारी बंद होने के बाद में यदि सेक्स की इच्छा कम है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन, कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि लेडीज़, महिला जब टेस्टोस्टेरोन लेती है टैबलेट या इंजेक्शन, तो उससे उनकी वीगर, वाइटलिटी, फटीक, इसमें फ़र्क आ जाता है, उसमें फ़ायदा होता है, उनकी सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन लेना। और बुप्रोपियन नाम का जो ड्रग है जिससे डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, तो बुप्रोपियन की टैबलेट 150 मिलीग्राम की आती है, जो सुबह
आप लेते हैं तो उससे भी सेक्स ड्राइव बढ़ने की संभावना है, और काफ़ी स्टडीज में पाया गया है कि उससे सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है। तो ये आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं, दोनों भी है, बिना दवाई का दवाई का, और दोनों भी आप करते तो डेफिनेटली आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाएगी और सेक्स के जीवन का आप आनंद ले सकेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। सभी लोगों को जो बोलते हैं कि भाई मेरी पत्नी को इच्छा कम है, या स्त्री बोलती है कि मेरी इच्छा कम हो जाती है सेक्स की, तो उनको सबको आप यदि शेयर करते हैं तो डेफिनेटली उनका सेक्स लाइफ अच्छा हो जाएगा। वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।